आज हम बनाने जा रहे हैं रशियन सैलेड। रशियन सैलेड में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बताती चलूँ, नोट आउट कर लें। पोटैटोस, आलू दो अदद लेके उसको छील के बॉईल कर लेना है। एक कप मटर लेकर उसको भी बॉईल कर लेना है। दो अदद अंडे इसको लेकर बॉईल करके इस तरह से स्क्वायर्स में काट लेना है। गाजर एक कप काट कर क्यूब्स में इस तरह से इसको भी बॉईल कर लेना है। पाइनएप्पल ये आराम से टिन में मिल जाता है। कैस्टर शुगर दो टेबल स्पून, फ्रेश क्रीम हाफ कप, मायोनीज वन कप। आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पास मेजरिंग कप भी हैं, आप इससे भी नाप सकते हैं। नमक हसबे ज़रूरत, काली मिर्च का पाउडर वन टीस्पून, सफ़ेद मिर्च का पाउडर वन टीस्पून। अब मैं आपको बताती चलूँ हम इसको किस तरह से बनाएंगे। अच्छा, आपने सबसे पहले एक बड़ा बाउल ले लेना है। बड़े बाउल में हम ये अपना मायोनीज ऐड कर देंगे। ये अपनी क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम ऐड करके इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। जब ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, नमक हसबे ज़रूरत ऐड कर देंगे हम इसमें। कैस्टर शुगर दो टेबल स्पून, सफ़ेद मिर्च वन टीस्पून, काली मिर्च वन टीस्पून। तमाम चीज़ें मिक्स करके हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें अपने ये उबले हुए आलू, मटर, गाजर, पाइनएप्पल वन कप, दो अदद हमने सेब लेके उसको भी स्क्वायर में काट लिया है, एक कप सेब बॉयल, पोटैटो। तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करके अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छी तरह तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। अब हम इसको तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त हमारा रशियन सैलेड तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई होगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें।